प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा की सरकार और किसानों के बीच में होने वाली वार्ता भले ही किसानों की वजह से ना हो सकी हो, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अभी भी किसानों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने अभी भी किसानों के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखा है। इस बात का इशारा उनके एक बयान से पता चलता है, जब उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग में तो किसान शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इन सब हालातों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहले ही जानकारी दे दी थी, तो वहीं अब वे सुप्रीम कोर्ट को भी पूरे मामले से अवगत करवाएंगे। मंत्री अनिल विज ने ये साफ कर दिया कि वे तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से 24 सितंबर की तारीख मिली है, सरकार की तरफ से किए प्रयासों और हालातों को लेकर एक एफिडेविट भी दाखिल कर दिया गया है। जैसा अदालत आदेश देगी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इन सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है, अब हमने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई कर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद से सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए हरियाणा की सरकार और किसानों के बीच में एक मीटिंग होनी थी, जिसके लिए 19 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसानों ने उस मीटिंग में शामिल होने से साफ मना कर दिया था और तब वो वार्ता विफल रही थी। हालांकि मंत्री अनिल विज ने अपनी तरफ से किसानों के लिए सकारात्मक रुख अपनाते हुए मीटिंग के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।